स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल SYJ कॉम्प्लेक्स चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 5 दिसंबर की स्पीड न्यूज। यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है रूस, अमेरिकी अखबार ने किया दावा। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले के होंगे संगीन नतीजे। खलीजी रियासतों में अपने आप को ताकतवर बनाने की लगी रेस, यूएई ने फ्रांस से किया 14 अरब यूरो के 80 फाइटर प्लेन का तारीख मुआहदा, शेख मोहम्मद बिन जैद और मैक्रोन की हुई मुलाकात। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दवान को बम से उड़ाने की साजिश भी नाकाम, एर्दवान के खिताब करने की जगह एक गाड़ी के नीचे रखा गया बम किया गया बरामद। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने लीबिया के साबिक मकतूल रहनुमा मुअम्मर कजाफी की बेवा सफिया फरकश, बेटी आयशा कजाफी और उनके बड़े भाई मोहम्मद कजाफी पर से सफरी पाबंदी हटाने का किया ऐलान। इसराइल की जालिम पुलिस ने मकबूजा मशरक बैतुलमक़दस में एक फ़िलिस्तीनी को करीब से गोली मार कर कर दिया शहीद, एक यहूदी आबादकार पर चाकू से हमला करने का लगाया इल्ज़ाम। तालिबान की जानिब से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली 15 साल अफगान लड़की सोतोद अफरोतन बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की 25 बासर खवातीन की लिस्ट में हुई शामिल। WHO की सीनियर साइंटिस्ट मारिया करकोफ ने कहा ओमिक्रॉन से ज्यादा डरने की नहीं है जरूरत, ओमिक्रॉन से अभी तक किसी जानी नुकसान की नहीं है कोई इत्तला। ओमिक्रॉन की हलचल के दरमियान साउथ अफ्रीका के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा हम लॉकडाउन और इस जैसी दीगर पाबंदियों के बगैर ही चौथी लहर से निमट सकते हैं। ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड में लॉकडाउन लगाने के एक ट्वीट पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा फर्जी है ट्वीट, लॉकडाउन को लेकर नहीं लिया गया है कोई फैसला। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का केस मिलने के बाद अलर्ट हुई केजरीवाल हुकूमत, मास्क को कर दिया लाजमी, मुतासरा मुल्कों से आने वाले फ्लाइट पर बैन लगाने का किया मुतालबा। मुल्क भर में वैक्सीनेशन के दरमियान मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को उठानी पड़ी शर्मिंदगी, रियासत के एक गांव सीहोर में वैक्सीन लगाने गई टीम पर किया गया हमला, एक शख्स गिरफ्तार। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर हिंदुत्ववादी तंजीमों ने अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में पूजा पाठ करने और मूर्ति नसब करने का किया ऐलान, हालात हुए कशीदा, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। म्यांमार की सरहद से लगी हिंदुस्तानी रियासत नागालैंड के मून जिले के ओटिंग गांव में सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग में 13 गांव वालों की हुई मौत, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अहकाम जारी। नागालैंड के वाक्य को दिल दुखाने वाला वाक्य करार देते हुए बोले कांग्रेस कायद राहुल गांधी, कहा होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, मोदी सरकार को सही सही जवाब देने का किया मुतालबा। पार्टी के खिलाफ बागी सुर बुलंद करने वाले गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बनाने से किया इनकार, साथ ही अगले असेंबली इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का भी किया मुतालबा। बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के थर्ड फ्रंट बनाने की खबरों के दरमियान शिवसेना लीडर संजय राउत ने किया दावा, कहा कांग्रेस के बगैर अलायंस बनाने पर गौर कर रही हैं ममता बनर्जी। बीजेपी लीडर वरुण गांधी ने फिर यूपी की योगी सरकार के खिलाफ उठाई आवाज, लखनऊ में स्टूडेंट्स पर की गई लाठीचार्ज पर कहा दिल पर हाथ रखकर सोचिए क्या ये आपके बच्चे होते तो उनके साथ होता ऐसा सलूक। कर्नाटक के बेल्लोर शहर के एक छोटे चर्च पर बजरंग दल के 25 लोगों ने किया था एक हफ्ता पहले हमला, आज तक नहीं हुई एक की भी गिरफ्तारी, खुलेआम घूम रहे हैं बजरंग दल के मुलजमीन। महाराष्ट्र में तवील होती जा रही है MSRTC की हड़ताल, महाराष्ट्र हुकूमत ने कल हड़ताल वापस लेने की अपील की थी और आज मजीद 245 हड़ताली मुलाजमीन को किया सस्पेंड। सीएम KCR ने कल प्रगति भवन में TRS MPs मिनिस्टर्स और MLAs के साथ की थी मीटिंग, धान की खरीदारी के मसले पर मोदी सरकार पर दबाव बनाने का है प्लान। वरंगल में 1100 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार होगा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, हुकूमत तेलंगाना ने दे दी मंजूरी, 24 फ्लोर की इमारत में होंगे 2000 बेड्स, ENT व सर्जरी समेत होंगी कई फैसिलिटीज। ओमिक्रॉन के केसेस छुपाने की बातें बिल्कुल बेबुनियाद, हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान, कहा थर्ड वेव का सामना करने के लिए हुकूमत तैयार, आवाम को परेशान न होने की दी सलाह। बीजेपी MLA इटेला राजेंद्र ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा, कहा दलित बंधु स्कीम के तहत फराहम की जाने वाली रकम पर SC इस्तिफादा कुनिंदगान को दिया जाए मुकम्मल इख्तियार।
मजलिस के एमएलए कौसर मुहीद्दीन की जानिब से खत के जरिए इत्तला दिए जाने के बाद तेलंगाना के महकमे तहजीब व तमद्दुन ने टोली मस्जिद की मरम्मत के लिए जारी किए 2 करोड़ रुपए। साबिक वज़ीर आला के रौशैया का पूरे इज्जत व एहतराम से आज कर दिया गया अंतिम संस्कार। सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे शामिल। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने पेश किया भरपूर खिराज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।